जय दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्सप्लोर कमांडो कोच, बुद्धा साइंस सेंटर ब्यासम नालंदा। अभी आपके सामने उन लड़की का हम इंट्रोडक्शन कराएंगे जो कि 100 में से बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 8 नंबर छोड़ दिए। इनका मलोल है, इनको अफसोस है कि मेरी सहेलियां मुझसे 4 नंबर 6 नंबर ज्यादा ले आए, कह को तो 8 नंबर ज्यादा लाई है ना, 100 में 100 है ना इधर ही। तो इसका मतलब क्या सोच, कहाँ पे कमी छूट गया आपसे? मेरा हाई जंप 4 फीट नहीं हुआ और गोला 16 का चीने पर रह गया। अब तो अगली बार हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इस बार तो तुम वर्दी पहन ही रही है ना। तो अपने बारे में बताइए पहले, और कितना दिन मेरे पास ट्रेनिंग की है? नाम बताइए अपना, जोर से बोलिए। मेरा नाम आरती कुमारी, मैं ग्राम रौद से हूँ, जिला नालंदा। मैं यहाँ आई थी तो मेरा लगता था कि नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, सबको देखते हुए तो। लेकिन सबको देखते हुए बहुत कोशिश की, उसके बाद रनिंग में मेरा अच्छा था, हाई जंप नहीं हो रहा था और गोला नहीं जा रहा, इसलिए सबको देखते हुए अभी देखने लगे कि कह रहे हैं कोशिश तो हो जाएगा, तो करते करते सब हो गया। 2 महीना उतना 2 महीना लगा भी नहीं था, वहाँ कोशिश हो गया। तो गए तो सब कुछ बताओ मेरे को, ग्राउंड में भीम आया तो मेरा पता ही नहीं चला कि कहाँ आए हैं, लग रहा था कि तो हम यहीं पे हैं कैंपस में, मेरा पता ही नहीं चल रहा था। ग्राउंड में रनिंग भी करने गए तो लग रहा था कि मेरा कि बहुत अच्छा, मेरा लगा ट्रैक बहुत छोटा है, ट्रैक छोटा था, मेरा लग रहा था कि सर तो बहुत छोटा है, दिखता रनिंग जब करके आया तो कुछ नहीं किया थी रोड मार के। दीदी 100 में से 92 नंबर लाए, कुछ कहना चाहेगा? नो सर। आपको पता होना चाहिए कि आज भीम जो है, देखा सब भैया लोग जो है चीना न पा रहा, तो सर बोला सर मेरे को भी न पाना है। अरे भीम आजा, मेरा आगे आने वाला कमांडो तू ही ना यार। तो और बताओ, जब ग्राउंड छोटा लगा तो समय कितना लगा तुमको दौड़ने में? 3:50। 3:50 जैसे ही देख लीजिए आप लोग का, जब 50 नंबर दौड़ में आया था ना, आपका मनोबल बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। अब आपको लगे कि अब हम सब जीत जाएंगे मैदान, समझ आ रहा है? तो बी बोल रही है, लड़का लोग जो मेरा है कम से कम 40 नंबर जरूर लगे, 40 नंबर उधर, 25 गोला और हाई जंप में कम से कम 21 नंबर, 100% मेरिट बना हुआ है। और मेरा पता है कि अभी तक 50% लड़के ऐसे हैं जो इस लेवल को आ चुके, 50% लड़का है, 50% को 15 से 20 दिन और है, रगड़ के मेहनत कीजिए। लड़कों क्या कहना चाहोगी तुम, इनको बताओ जरा कि जब तुम 92 ला सकती हो, इसका हाइट कोई है 6 फीट है, है? कोई बहुत मेरे दिल लंबी है, लेकिन ये कैसे 92 लाई? 92 कैसे लाई? कैसे करके? आपने देखा होगा जब ये दौड़ती थी तो पूरी जी जान ला के दौड़ती थी ना। इनको बोलो कि भैया आप लोग भी, हाँ बोलो, आप लोग भी मेहनत कीजिए, 100 में 100 ला सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, आपके बीच में आपकी छोटी बहन जब 100 में से 92 ला सकती है, और ये बोले कि भैया आप 100 में 100 ला सकते हैं, आपको लाना होगा। क्लियर है? धीरे बोल रहा है, और तेजस, और तेजस। अब इसको लेके मेरा भाई लोग जो है 100 में 100 ला सकता है, समझ में आ गया? जब बहन यार 92 ला रही है 100 में से, तो भाई क्यों नहीं लगा 100, क्यों नहीं लाएगा? हाँ, गोला कैसा रहा तुम्हारा? गोला 16 प्लान में पहली बार में गया, दूसरी बार में गया, तीसरी बार में गया? फर्स्ट में 16 बीच में रह गया, 1500, सेकंड में, थर्ड में लाइन पे चल गया। वहाँ 21 नंबर मिल गया आपको? हाँ 21 नंबर। हाई जंप में 21 नंबर, 3 बार में। देखिए इनको 50 नंबर दौड़, 21 नंबर गोला और 21 नंबर हाई जंप, टोटल 92। वर्दी सिला ले छोटी बहन, चल जाओ बाबू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।